लोग कहते हैं जमाना बदल गया है और बिल्कुल सही बात है, जमाना बहुत ज्यादा बदल चुका है। आजकल ऑनलाइन डेटिंग का जमाना चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप का जमाना चल रहा है और लव मैरिज या लव अफेयर तो बहुत कॉमन हो चुके हैं। इवन गेज और लेस्बियन भी अब क्राइम नहीं है इंडिया में, यानी मानसिकता और विचार बदल रहे हैं और समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बदलते जमाने में एक चीज जो कि नहीं बदली है वो है अरेंज मैरिज। जी हाँ, आज भी हम इंडियंस की जो प्रीफरेंस है वो अरेंज मैरिज है। अगर आप हमारे शादियों का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 95% शादियां जो होती हैं वो अरेंज होती हैं। CNN की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सरकार का कहना है कि 95% जो शादियां होती हैं लोग अपने पेरेंट्स मतलब माता और पिता की मनमर्जी के हिसाब से करते हैं। आज चाहे जमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो चुका हो, लोगों की लाइफस्टाइल बदल चुकी है, बट आज भी जो युवा लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, वो शादी अरेंज मैरिज और अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तभी तो हमारे देश में 1500 से भी ज्यादा मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स चल रही हैं। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज, तो आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आजकल की लड़कियों की कि वो क्या सोचती हैं अरेंज मैरिज के बारे में। मेरी एक फ्रेंड है जो कि काफी मॉडर्न है, बहुत स्टाइलिश है, उनकी लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है और बहुत ही डिजाइनर कपड़े पहनती है, बट जब मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज, तो उनका एक ही जवाब आता है कि वो शादी अपने मम्मी पापा के अकॉर्डिंग ही करेंगी। तो उनके इस आंसर से बिल्कुल क्लियर कट पता लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो लव मैरिज की बजाय अरेंज मैरिज पर ज्यादा बिलीव करती है। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि आजकल की मॉडर्न लड़कियां भी अपने पेरेंट्स की मर्जी के अकॉर्डिंग शादी करना चाहती हैं? नंबर 1, पेरेंट्स ज्यादा बेहतर समझते हैं अपने बच्चे के लिए। क्या अच्छा है क्या बुरा है पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और हमारे यहाँ तो जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाए, शादी नहीं हो जाए, उनके बच्चे नहीं हो जाए, हमारे पेरेंट्स उन बच्चों की भी देखभाल करते रहते हैं। तो आजकल की जो लड़कियां हैं, चाहे वो कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, उन्हें अपने पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा विश्वास है। और आप अगर देखेंगे तो लड़कियां इवन जो अगर उनका कहीं कोई अफेयर भी चल रहा होता है वो भी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करती जब तक उनको कंफर्म नहीं हो कि ये बंदा उनसे शादी करेगा या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं देना चाहती और उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहती और उन्हें पता है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए बेस्ट ढूंढकर निकालेंगे। नंबर 2, रिजेक्शन। हमारे देश में बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में एक चीज भर दी जाती है कि उनको एक बहुत ही सुंदर सा दूल्हा मिलेगा जो उनको पसंद करेगा और उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। बट कई बार सच्चाई थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि कई बार लड़के उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देते हैं किसी भी रीजन से। मैं ये नहीं कहता कि लड़कों को रिजेक्शन नहीं मिलता, लड़कों को भी रिजेक्शन मिलता है, लेकिन आज की इस वीडियो में अगर हम लड़कियों की बात करें तो मैं इसको लड़कियों के टॉपिक पर ही लेकर चलूंगा। तो लड़कियों को कई बार जब रिजेक्शन मिल जाता है, जैसे 2-3 बार अगर उनको कोई रिजेक्ट कर देता है, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ने लगता है और फाइनली उनको पता है क्या बोलना पड़ता है अपने पेरेंट्स को कि पापा मम्मी जो भी लड़का मिले मेरे को उससे शादी कर दो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लड़कियां अरेंज मैरिज पर ही बिलीव करती हैं। नंबर 3, बैड रिलेशनशिप। आज के जमाने में अफेयर होना कोई बड़ी बात नहीं है और अगर कोई लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में है वो भी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन क्या होता है जब उस रिलेशनशिप में उस लड़की को धोखा मिल जाता है, तो वो ये चीज सह नहीं पाती और वो दूसरी बार किसी रिलेशनशिप में आने से डरती है। तभी वो अपने पेरेंट्स पे ज्यादा भरोसा करती है, उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। नंबर 4, क्योंकि संस्कार आड़े आ जाते हैं। हम चाहे कितना भी बोल लें कि हमारा भारत बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुका है, लेकिन आज भी घरों के अंदर लड़का और लड़की में बहुत ज्यादा डिफरेंस किया जाता है। लड़कों के ऊपर कम कंट्रोल होता है पेरेंट्स का, जबकि लड़कियों के ऊपर काफी ज्यादा बंदिशें होती हैं। अगर आप अपने खुद के घर में देखेंगे तो ये पाएंगे कि लड़कियों के जितने भी फैसले होते हैं मैक्सिमम पेरेंट्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। और लड़कियों को हमेशा ये भी कहा जाता है कि उनके परिवार की इज्जत उस लड़की के हाथ में है। तो लड़कियों को बचपन से ही पता होता है कि उनका क्या दायरा है। उनको ये लगता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके लिए बेटर डिसीजन ले सकते हैं और ये बिल्कुल बात सच भी है। हो सकता है कि बड़े सिटीज में लव मैरिज का थोड़ा सा प्रचलन ज्यादा चल गया हो, लेकिन आज भी छोटे शहरों या गांव में अरेंज मैरिज को ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है और लड़कियां इस मामले में अपने पेरेंट्स पे फुल ऑन बिलीव करती हैं।
नंबर 5, सही समय पर लड़का ना मिलना। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती हैं और उन गर्ल्स को उनका पेरेंट्स का फुल ऑन सपोर्ट होता है और ऐसे में करियर को लेकर वो इतनी सीरियस हो जाती हैं कि जब 30s की एज आ जाती है तो उन्हें पता ही नहीं लगता और ऐसे में लड़का मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और ऐसे में लड़कियां खुद अपने पेरेंट्स को बोल देती हैं कि आप ही मेरे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ के दे दीजिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि लड़कियां अपने पेरेंट्स पे बिलीव करती हैं, उनको एक विश्वास होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर कि वो जो भी फैसला लेंगे वो अच्छा ही फैसला लेंगे। लेकिन ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता हूं कि जो लव मैरिज कर रहे हैं वो टोटली रॉन्ग है, वो भी सही है क्योंकि अरेंज मैरिज के भी कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रखिएगा क्योंकि जब आप चेहरे पे स्माइल रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होगा और आप अपने लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट फैसले हैं वो बहुत आसानी से ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे चेहरे पे स्माइल देखना है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना ही करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।